अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ कुरकुरी करारी भिंडी। मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाली थी मैं, क्योंकि मेरा फोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इसीलिए मैं आज से हर रोज आपके लिए नई रेसिपी लेकर आऊंगी। तो चलिए बनाते हैं कुरकुरी करारी भिंडी। कुरकुरी करारी भिंडी के लिए क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर मैं भिंडी ली हूँ, 1/4 किलो ली हूँ, मैं ऐसे काट ली हूँ। मैं आपको काटकर भी बताती हूँ। भिंडी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, पर जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चावल का आटा, बेसन, पेरी पेरी पाउडर, यहाँ पर आमचूर पाउडर। मैं ये रेडीमेड मिलता है लेकर आकर रख ली हूँ। इसमें बहुत टेस्टी रहता है। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं पर आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अभी यहाँ पर मैं भिंडी को कैसे काटना है मैं काट कर बताती हूँ आपको। अगर छोटी है तो आप सारी भिंडी डाल सकते हैं, अगर बड़ी है तो आप इसे दो तरह का कर सकते हैं। दो तरफ कट करना है, बस इसे ऐसे काटना है। अगर आप बीज छोटे बहुत बारीक है तो बीज इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा बड़े हैं तो बीज को निकाल सकते हैं। ये देखिए, ऐसे है तो डाल सकते हैं, थोड़ा बड़े हो तो निकाल लेना। ये देखिए, ऐसे हमें कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, आसानी से निकल जाता है ये। देखिए ऐसे, मैं ऐसे सभी भिंडी को ऐसे ही कट करके रख ली हूँ। अगर छोटे बीज है तो डाल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। अगर बड़े हो तो आप निकाल कर इसे ऐसे निकाल लेना है। अभी इसे मसाला कैसे लगाना है बताती हूँ मैं सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धोकर, भिंडी को सुखाकर काट ली हूँ मैं। यहाँ पर 2 टीस्पून जितना चावल काटा मैं, ये स्पून से लेकर हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 टीस्पून जितना चावल काटा, यहाँ पर 1.5 टीस्पून जितना बेसन, यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना यहाँ पर आमचूर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर, नमक थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून जितना नमक। अब इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। अब इसी साथ हमें पेरी पेरी पाउडर को भी हमें इसमें ही मसाले को मिला लेना है। 1 टीस्पून जितना है ये, इसका भी टेस्ट बहुत बहुत अच्छा रहता है। ये देखने में बहुत इजी है रेसिपी भिंडी का। ये कुरकुरी करारी भिंडी है, बहुत इजी बनती है और खाने में उतनी ही टेस्टी बनती है ये। अगर आप ये बनाकर बच्चों को आप प्लेट में डालकर देने से बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। जो बच्चा भिंडी नहीं खाता, जो बड़ों में भिंडी नहीं खाते, ये बनाकर दीजिए, बहुत खुश होकर खा लेंगे। यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, आप तीखा देखकर डाल लेना, आपको जितना चाहे उतना देखकर डाल लेना। नमक भी देखकर डालना, नमक ज्यादा हो जाता है इसीलिए आप देखकर डालना। ये तैयार हो गया है इसका मसाला। अभी हमें भिंडी को इसमें ही डालना है। यहाँ पर देखिए भिंडी को, क्योंकि ये काट के रखने से थोड़ी सी भिंडी ये चिपचिपी रहती है, इसे धोकर नहीं डालना है और इसमें पानी भी ज्यादा नहीं डालना। अगर मसाला नहीं लगा तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हैं, 2-3 ड्रॉप जितना डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। थोड़ी सी चिपचिपी रहती है भिंडी काटने के बाद भी, मसाला आराम से लग जाता है इसमें। अगर चावल का आटा नहीं डालना चाहते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर पाउडर भी डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे, चम्मच से नहीं मिलता है, हाथ की मदद से ही इसे अच्छे से मिला लेना है। अगर मसाला नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा, 3-4 ड्रॉप जितना पानी इसमें ले सकते हैं आप। देखिए
पर देखिए मसाला अच्छे से लग चुका है। अगर फिर बता रही हूँ मैं आपको, भिंडी को मसाला नहीं लगता है तो थोड़ा सा दो तीन ड्रॉप पानी डाल, ये देखिए कितना अच्छा लग चुका है, ये देखिए। बस अब कढ़ाई को रख लेना है, तेल गरम करने हमें स्टोव को ऑन कर लेना है, गैस को। यहाँ पर कढ़ाई को रख ली हूँ, गैस भी ऑन कर ली हूँ मैं, अभी इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल थोड़ा ज्यादा ही होना है इसे। यहाँ पर तेल गरम होने दे रही हूँ मैं। तेल हमें अच्छे से गरम करना है, बहुत अच्छे से गरम करना है, थोड़ा बहुत गरम नहीं होना है, तेल को ज्यादा गरम करना है, बहुत ज्यादा गरम करना है, तभी वो करारी बनती है भिंडी। आप थोड़ा गरम हुआ आप भिंडी डाल दिए तो करारी नहीं, चिपचिपी हो जाती है। उसे तेल को अच्छे से गरम करना है, उसके बाद ही इसमें डालना है। मैं फिर से बता रही हूँ, थोड़ा मेरे फोन में प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं 4 दिन से वीडियो नहीं डाली थी। अब मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊंगी, अच्छे से अच्छे पकवान भी बनाकर मैं बताऊंगी। आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। आप लोग जितने भी मेरे चैनल को देखते हो, आप लोगों को सभी को थैंक यू और शुक्रिया। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों की बहुत जरूरत है मुझे, आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए। अभी इसे तेल को अच्छे से मैं गर्म, ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अच्छे से गर्म होना है, तेल को अच्छे से गर्म करना है। अभी थोड़े थोड़े उठाना है, ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़े से, ये देखिए ऐसे बस थोड़े थोड़े ही इसमें डालना है। अब इसे डालते ही हिलाना नहीं है, इसे ऐसे ही 1 मिनट छोड़ देना है इसे। यहाँ पर देखिए 1 मिनट हो गया है, अभी मैं इसे हिलाकर नहीं हूँ। ये देखिए मसाला भी ऐसे ही है, मसाला भिंडी से नहीं निकला है। अभी थोड़ा हमें इसे हिलाना है, भिंडी को थोड़ा सा हमें हिलाना है। देखिए तैयार हो गई है भिंडी, अभी इसे निकाल लेती हूँ। अब निकालने के वक्त क्या करना, फिर स्टोव का फ्लेम ज्यादा कर देना है, क्योंकि तेल फिर से गर्म होना है। गर्म करके ही डालना, आप ऐसे ही मत डालिए। अभी इसे खुले में ऐसे ही रखना है, इसे एक के ऊपर ऐसे नहीं रखना, ऐसा थोड़ा खुला खुला रखना है, तभी ये करारी बनती है। करारी कुरकुरी भिंडी तभी बनती है। अभी तेल को गर्म हो रहे हैं, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसे भिंडी को फिर से डालती हूँ। भिंडी एकदम ज्यादा नहीं डालना है, भिंडी को थोड़ा थोड़ा ही डालना है। ये देखिए तेल कितना गर्म है, ऐसे गर्म होना है तेल को। फिर इसे 1 मिनट मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ यहाँ पर, इसे और 1 मिनट मैं पकने देती हूँ इसे। देखिए ये भी पक चुका है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए आवाज यहाँ पर, देखिए भी एक साइड में निकाल लेते हैं। देखिए तैयार हो गई है कुरकुरी करारी भिंडी। अभी मैं प्लेट में आपको निकाल कर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितना अच्छा आवाज आ रहा है। ये देखिए तैयार हो गई है कुरकुरी करारी भिंडी। मसाला बहुत टेस्टी रहती है, खाने में बहुत अच्छी रहती है। आप चाय के साथ इसे खा सकते हैं, आप ऐसे ही बच्चों को डाल कर दीजिए एक प्लेट में, बच्चे ऐसे। बहुत बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए आज मैं कुरकुरी करारी भिंडी बनाकर बताई हूँ। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। जो बच्चा भिंडी नहीं खाता है उसे ये बना कर दीजिए, आप आपके पास मांग कर भी खा लेगा बच्चा, उतना अच्छा लगता है और ये टेस्टी भी रहता है। इसे बनाइए, खाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।